यानी खुददारी की आप इंतहा देखो बार बार किसी की दावत में जाना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये मेरी खुददारी को चैलेंज किया जा रहा है लोग क्या कहेंगे आज उसके घर में खाना खा रहा है आज उसके घर में खाना खा रहा है तो कह रहा है भाई खाना अपने घर की जो दाल रोटी है ना वो दूसरे के घर के मुर्गे से बेहतर है मैंने कहा ये है देखो गन्ने का रस लगाता है इसके दिल में हवस नहीं है बुरी बात है ना आज अपने घर का कभी खा ही नहीं रहे हैं कभी वहां बैठे हुए हैं कभी वहां बैठे हुए अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ छः महीने पहले लोग आ रहे हैं मुझे घसीट के ले गए आज हमारा वलीमा है अगले दिन फलाने जगह ले गए वहां वलीमा है मेरी तस्वीरें आ रही हैं मुफ्ती साहब लेग पीस हाथ में मुफ्ती साहब के हम मुरवत में जा रहे हैं हमारे घर में भी मुर्गा खाने को अलमदिल्ला मिल जाता है हमें लेकिन ताल्लुकी बेस पे हम जा रहे हैं कि यार अब इतना पुराना ताल्लुक है मना कैसे करें फिर वहां गए तीन चार दिन के बाद वो फुराना पुलाना ताल्लुक वाला उनके यहाँ गए वहां भी लेग पीस तस्वीरें तो लोग ले रहे होते हैं फिर फिर फलाने के यहाँ दावत है उसको मना कर दिया तो नाराज हो जाएगा पुराना रिलेटिव है मना कर दो तो बोलेगा वाह पुराने दोस्तों को भूल गए या मशहूर हो गए ना ये ताने सुनने को मिलते हैं अब हम वहां चले गए भाई इसको कैसे नाराज करें ये तो छठी क्लास से अपने साथ है उसकी दावत में गए वहां बिरयानी खा रहे हैं चार छः आठ दस हर हफ्ते ना मेरी तस्वीरें मैंने अपने दोस्तों को बुलाया मैंने कहा भाई नाराज कर दो लोगों को लोगों को क्या कर दो नाराज कितना बुरा इमेज है उधर भी मुर्गा उधर भी जाके बिरयानी मैंने कहा हमारा इसके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं है क्या खाली ताल्लुकात ही निभाने हैं क्या हमने कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें तो मैंने कहा भाई ये जो पुराने ताल्लुकात है ना इनको निभाने का कोई दूसरा तरीका हम ईजाद कर लेते हैं लेग पीसों को फिलहाल क्या कर देते हैं माफ मुर्गियों की जान पे क्या खाएंगे हम रहम तो इसलिए थोड़ी सख्त पॉलिसियां बनानी पड़ती हैं अब लोग आते हैं ना वलीमा है। मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं जा सकता मैं अपने वलीमो में चार दफा जा चुका हूँ अब मैं और कितने वलीमो में जाऊँ वो कहते हैं हमारा अब आप बदल गए हो अब आप वो नहीं रहे भाई ये आपका है डी के हम बदल गए हैं हम में तकबुर पैदा हो गया है हमारा स्टाइल चेंज हो गया है इन चीज़ों में हम आपको मुतमिन करने के लिए अपना टाइम ज़ाया बोलो नहीं करेंगे टाइम भी ज़ाया होता है और बदनामी भी कितनी होगी कोई पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा इस मौलवी के पास इसके अलावा कोई काम है नहीं उस फलां की दावत में घुसा हुआ था उस फलां की दावत में घुसा हुआ यही लोग जो इज्जत दे रहे होते हैं ना कल यही बातें देखो लोग ओलमा को खिलाते कितना है फिर बोलते हैं कि ये मौलवी लोग खाते बहुत हैं खिलाते भी तो तुम ही हो और मना कर दो तो फिर बोलते हैं उन मौलवी में तकबुर होता है हम दावत कर रहे हैं नबी तो किसी की दावत का इनकार नहीं करते थे तो यार किसी हाल में खुश नहीं रखा हुआ अब मैं अगर कभी मजबूरी में निकाह पढ़ाने भी जाऊं ना घर से खाना खा के जाता हूं परसों में किसी रिलेटिव के बहुत ही करीबी थे उनके वलीमे में गया निका में निका पढ़ाने गया घर से खाना खा के गया हूं सब गार्डों को भी यहीं खिलाया हमने उन्होंने कहा खाना हमने कहा हम खा के आए हैं हम नहीं खाएंगे क्योंकि खा रहे होंगे बिरयानी की एक तस्वीर फेसबुक पे हम तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए खा रहे होंगे कि तुम्हें बुरा ना लगे इज्जत किसकी जा रही होगी हमारी जा रही होगी किसी की इज्जत बचाने के लिए अपने कपड़े उतरवाना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है तो अपने घर में दाल रोटी तो खाना समझ में आ गई कि नहीं आ गई है जो आपकी जेब में उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो बस यही है आपका कभी किसी के सामने ना कारोबार के नाम पर पैसे मांगो ना किसी और नाम पर पैसे मांगो जो है बस इसी से जो करना है करो हाँ आपका एतमाद दुनिया में बहाल हो जाएगा तो लोग खुद आपको पैसा देंगे कि ये इतने पैसे हैं आप काइंडली इससे कारोबार करें वो ठीक है लेकिन उसमें भी जब करो जब आप कर सकते हो नहीं कर सकते उनको मना कर दो